जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आज श्री राम नाम की महिमा और उनके 108 नामों के महात्म्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह संवाद जो है पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें राजा वशिष्ठ राजा दिलीप को श्री राम नाम की महिमा बता रहे हैं कि एक बार जब भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का महिमा भगवान महादेव ने माता पार्वती को बताई तो माता पार्वती भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन ग्रहण करने लगी। प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन महादेव भोजन ग्रहण करने के लिए आए और माता जी से निवेदन किया कि हे देवी भोजन ग्रहण करो। तो माता जी ने कहा हे भगवान आप भोजन ग्रहण कीजिए, मैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूँगी। तो भगवान महादेव मुस्कुराते हुए बोले हे देवी मैं धन्य हूँ, मैंने तुम जैसी वैष्णवी पत्नी को प्राप्त किया। हे देवी श्री विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो भगवान राम के एक नाम के बराबर है, अतः तुम राम राम कहो और भोजन ग्रहण करो। माता जी ने राम राम कहा और भोजन ग्रहण करने लगी। भोजन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने भगवान महादेव से निवेदन किया हे भगवान, हे महादेव आपने भगवान राम का नाम श्री विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य बतलाया है, हे भगवान उनके और भी नाम हो तो मुझे बतलाइए। महादेव जी बोले कि हे देवी वैसे तो यह गोपनीय विषय है, फिर भी तुम एक वैष्णवी हो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। संसार में जितने भी रकार आदि शब्द हैं वो प्रभु श्री राम के ही नाम हैं, फिर भी उनमें से 108 नामों की महिमा ज़्यादा है। वो नाम है ओम श्री राम, रामचंद्र है, राम भद्र है, शाश्वत है, राजीव लोचन है, श्रीमान राजेंद्र है, श्रीमान राजेंद्र है, रघुपुंगव है, जानकी वल्लभ है, जैत्र है, जितामित्र है, जनार्दन है, विश्वामित्र प्रिय है, दांत है, शरण्यत्राण तत्पर है, वाली परमथन है, वाग्मी, सत्यवाक, सत्यविक्रम है, सत्यव्रत है, व्रतफल है, सदनमा दासरय है, कौशलेय है, खरध्वंसी, वराद्वद पंडित है, विभीषण परित्राता, दशग्रीव शिरोहर है, सप्तताल पर भेता, हर को दंड खंडने है, जमदगण्य महाद्रव दलने है, ताड़कांधकृत, वेदांत पार है, वेदात्मा, बहुबंध भेषज है, दूषण त्रिश्वरी ही, त्रिमूर्ति ही, त्रिगुण है, त्रय, त्रिविक्रम है, त्रिलोकात्मा, पुण्यचारित्र कीर्तन है, त्रिलोक रक्षक है, धनवी 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 दंडकारण्य वासकृत, अहल्या पावन है, पितृभगत है, वरप्रद है, जितेंद्रिय है, जित क्रोध है, जित लोभ है, जगत गुरु हु, रीछवनर संघाति, चित्रकूट समाश्रय है, जयंत त्राण वर्द है, सुमित्रपुत्र सेवित है, सर्वदेवादि देव है, मृत वानर जीवन है, माया मारी चंता, महाभाग है, माँ भुज है, सर्वदेव स्तुत है, सौम्य है, ब्रह्मण्य है, मुनि सत्यम है, महायोगी महोदार है, सुग्रीव स्थिर राज्यद है, सर्वपुण्यधिक फल है, स्मृत सर्वाग्नाशन है, आदि पुरुष है, महापुरुष है, परम पुरुष है, पुण्योदय है, महासार है, प्राण पुरुषोत्तम है, स्मित उत्तर है, मितभाषी पूर्वभाषी राघव है, अनंत गुण गंभीर है, धीरोदत्त गुणोत्तर है, माया मानुष चरित्र है, महादेवा भी पूजित है, सेतुकृत जितवारी से है, सरतीर्थमय है, हरि ही श्यामांग है, सुंदर है, शूर है, पीतवासा धनुर्धर है, सर्वयज्ञाधिप है, यज्ञ है, जरामरण वर्जित है, शिवलिंग प्रतिष्ठाता सर्वागगण वर्जित है, परमात्मा परम ब्रह्म सचिदानंद विग्रह है, परम ज्योति परम धाम पराकाश है, परात्पर है, परेश है, पारग है, पार है, सर्वभूतात्मक है, शिव है। दोस्तों यही 108 नाम भगवान श्री राम के माता पार्वती को भगवान महादेव ने बताए थे। फिर उन्होंने कहा कि हे देवी ये गोपनीय से भी गोपनीय है, फिर भी मैंने तुम्हारे सामने इन नामों को बताया है। जो भक्ति युक्त चित्त से इन नामों का पाठ या श्रवण करता है वह 100 कोटि कल्पों में किए हुए पापों का नाश करता है।
जल भी उसके लिए स्थल हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते हैं, जलती हुई आग शांत हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकूल हो जाते हैं, चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, ग्रह अनुग्रह करने लगते हैं, समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं, तीनों लोकों के प्राणी उसके वश में हो जाते हैं, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह संसार बंधन में कभी नहीं पड़ता है। जो भक्तियुक्त चित्त हृदय से इस प्रसंग का पाठ करता है या श्रवण करता है, वह सबका वंदनीय, सब तत्वों का ज्ञाता हो जाता है। दोस्तों, ये इसका महात्म्य था। इसका नाम जपने से, भगवान श्री राम के नाम जपने से हनुमान जी ने पर्वत को उठा लिया था, समुद्र लांग गए थे, तो हमें भी राम नाम का लाभ उठाना चाहिए, भगवान श्री राम का नाम स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, आप भी अपने दादा दादी को, नाना नानी को, जो भी भक्त हो, राम भक्त हो, उसको आप ये उस वीडियो शेयर करें ताकि उनके भी पाप मिटें, आने वाली पीढ़ियों के भी पाप मिटें, जिससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।